देश में 5G आने की संभावनाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में 5G रोडमैप की पहचान के लिए बनाई गई संचालन समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं, जिसमें 31 दिसंबर तक 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीति की घोषणा करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें, इस समिति का गठन साल 2017 के सितंबर में किया गया था, जिसमें दूरसंचार विभाग यानी DOT को 5G कनेक्टिविटी पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 5G कनेक्टिविटी की स्थापना के लिए एक एक्सपर्ट समिति के गठन का भी सुझाव दिया था। समिति ने इसके अलावा DOT के अंदर 5G कार्यक्रम कार्यालय के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम चलाने की भी सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष AJ पॉलराज ने कहा कि 5G समाज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें कृषि, शिक्षा और सोशल और सिक्योरिटी और आपदा प्रबंधन शामिल है। 9 टेक की रिपोर्ट।